अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज है हमारे पास 2.5। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करते हैं जो हमने पीछे मतलब किए हैं डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द पावर ऑफ इंटीग्रल एटा, वो हम यूज़ करते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले कहता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है जी, आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की जाने। क्या है हमारा क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है वैल्यूएट, उसने कहा है कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो फर्स्ट हम उसका वर्ड क्या है, एटा के पास 7 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि एटा का स्क्वेयर जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम एटा का स्केयर और ऊपर पार 6 लिख दूँ, सॉरी 6 नहीं 3 लिख दूँ, तो 2 3 6 हो जाएगा ये, और साथ एटा वैसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 को 3 टाइम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और इसकी पावर 6 बन जाएगी, इसकी 1 है तो 1 6 7 बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल होता है, ये 3 वैसे आ गया डॉट एटा। तो एक बात इसमें ये भी है कि अगर हम माइनस को इवन मतलब टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा क्या आएगा, इवन में आएगा मतलब पॉजिटिव आएगा, अगर हम ऑड टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। तो ये अब नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये ऑड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आयोटा की पावर 12, सॉरी 50। तो 50 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आसान वे में हम अगर मैं लिख दूँ कि आयोटा का स्केयर ऊपर 25 लिख दूँ, तो ये हमारे पास 2 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हमारा आंसर क्या आएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 50 हो जाएगा। तो अब आयोटा स्केयर हमारा किसके इक्वल है, -1 के, तो 25 तो वैसे ही आ गया, तो -1 आपका 25 हमारे पास ऑड नंबर है, -1 हमारे पास ऑड टाइम में मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर हमारा -1 आएगा। ठीक है जी, उसके बाद 3 पार्ट था जी इसका आयोटा की पार 12। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा का स्केयर लिख लिया मैंने और ऊपर मैंने 6 लिख दी, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो आयोटा स्केयर हमारे पास -1 के इक्वल है। 6 को इधर देखें कि हमारा 1 जो था -1 सॉरी ये 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 हमारा इवन नंबर है, इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से ये 1 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव का। और अब चलते हैं हम जी इसमें, इसका हम क्या करेंगे जी, -1 की पावर 8 हमने ज़्यादा ले ली और आयोटा की पावर 8 हमने अलहदा ले ली। ठीक है, आप देखिए -1 जो है वो इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये आंसर में 1 देगा, तो ये 1 आ गया डॉट। आयोटा की पावर 8 को मैंने आयोटा स्केयर ऊपर 4 लिख दिया। ठीक है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है और -1 क्योंकि आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये 4 ऊपर वैसे ही आ जाएगा, तो -1 इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर में पॉजिटिव 1 में देगा। ठीक है जी, तो उसके बाद क्या है जी, -1 -आयोटा की पावर 5, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी माइनस की पावर हम 5 अलहदा ले लेंगे और आयोटा जो है उसकी पावर हम 5 अलहदा ले लेंगे। ठीक है, इसको हम बाद में कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, -1 हमारे पास और टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा आंसर क्या -1 देगा। ठीक है, तो ये अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम आयोटा स्केयर डॉट आयोटा स्केयर डॉट आयोटा, क्योंकि ये हमारे पास आयोटा स्केयर आयोटा स्केयर आयोटा, इसकी पावर भी 2 है, इसकी भी 2 और इसकी 1 है, जब हम बेस सेम तीनों पावर्स ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 बनेगा। ठीक है, तो ये -1 वैसे भी डॉट, ये भी -1 डॉट आयोटा वैसे। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, ये देखिए -1 को -1 से किया तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, अब -1 को जब आयोटा से करेंगे तो आंसर हमारा -आयोटा में आ गया। ठीक है, ये था जी इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट, और इसका एक पार्ट रहता है वो भी हम देख लेते हैं जी, वो क्या था हमारे पास, आयोटा की पावर 27। तो आयोटा को अगर मैं 2 लिख लूँ और इसकी पावर ऊपर 13 लिख लूँ और आयोटा 7 लिख लूँ, क्योंकि 2 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 26 आंसर देगा, तो 26 में जब एक बार ऐड करेंगे तो वो हमारा 27 बन जाएगा। ठीक है, तो ये -1 के इक्वल है। ठीक है, आयोटा स्केयर ऊपर 13 वैसे ही आयोटा भी 7 वैसे ही आ जाएगा। तो इसको अब हम देखें कि हमारा 13 जो है ये ऑड नंबर है, -1 हमारा ऑड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा आंसर ये -1 में देगा, तो ये हमारा आंसर -1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये था ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन, उसके हमने पार्ट को सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की जानिब। क्वेश्चन नंबर टू में हमें क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में दिया गया है कि वो कहता है कि राइट डाउन द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। वो कहता है कि हमें कोई मतलब क्वेश्चन दिया होगा, उसका हमने कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है ना जो, वो फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो वो हम पीछे कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन वगैरह देख चुके हैं, ठीक है जी। तो उस डेफिनेशन के रिलेटेड जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है जी हमारे पास क्वेश्चन वन, उसका पार्ट क्या है जी, क्वेश्चन वन है उसका जी क्या पार्ट हमारे पास क्या है, इसको हम जी के इक्वल दे देते हैं, 2 + 3 i हमें दिया गया है, ठीक है जी। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस बार से जाहिर करते हैं, ठीक है। ये 2 तो मतलब रियल पार्ट है और ये होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट को चेंज करना होता है। वो कैसे हमने चेंज करना है, ये प्लस वैसे इस आयोटा को हमने माइनस आयोटा लिखना होता है, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, 2 ये माइनस बाहर आ जाएगा, -3 आयोटा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, थोड़ा सा मजीद बेहतर लगेगा ऐसे। तो ये हमारा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जी, ठीक है। अब हम चलते हैं जी इसके दूसरे पार्ट की जानिब। वो क्या हमारे पास, वो हमें दिया गया है कि जी हमारे पास क्या है जी, 3 - 5 आयोटा। हमने इसका भी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करें, ये माइनस भी वैसे, 3 भी वैसे, और इस आयोटा की जगह हम माइनस आयोटा रिप्लेस करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास माइनस और माइनस प्लस आयोटा 5, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा मजीद बेहतर बना के लिखते हैं तो ये ऐसे अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो ये हमारा आ गया जी क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। वो क्या है जी हमारे पास, वो हमें दिया गया है जी, जी हमें दिया गया है जस्ट माइनस आयोटा के इक्वल। तो इसको हमने क्या लिख लेना है, इसको हमने पहले इसको लिख लें, इसको हम 0 - आयोटा लिख लें, क्योंकि इसमें रियल पार्ट तो है नहीं, तो इसको हमने वैसे 0 लिख लिया है। और इस जी कॉन्जुगेट अब हम इसको फाइंड करते हैं, जी कॉन्जुगेट आ गया ऊपर, ठीक है। तो ये 0 तो वैसे ही आ जाएगा, इस ये माइनस भी वैसे, आयोटा की जगह हमने माइनस से आयोटा रिप्लेस करना है, तो ये हमारा प्लस आयोटा आ गया, ठीक है, 7 0 है। तो इसको आप मतलब जो है ना अकेला आयोटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास रियल पार्ट तो है नहीं, उसको हमने 0 लिखा था, उसको आप स्किप करके जस्ट आयोटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। वो क्या है जी हमारे पास, जी हमें क्या दिया गया है जी, -3 + 4 आयोटा, ठीक है। इसका हमने कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, जो -3 तो वैसे आ जाएगा क्योंकि ये रियल पार्ट है, ठीक है जी। और ये आयोटा की जगह हमने माइनस आयोटा रिप्लेस करना है, तो 4 भी वैसे आ गया, ये क्या आ गया -3, ये माइनस इधर आ जाएगा बाहर, और 4 आयोटा बन गया, ठीक है। ये हमारा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, पार्ट नंबर इसका 5, ठीक है। 5 पार्ट में हमें क्या दिया गया है जी, जी हमें दिया गया है जी -4 और -आयोटा। इसका हमने कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स फाइंड करना है, तो ये -4 तो वैसे आ जाएगा एज इट, ठीक है। ये माइनस भी वैसे, और आयोटा की जगह हमने माइनस आयोटा रिप्लेस करना होता है, तो ये -4 - - ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा जी कंजुगेट आ गया इसका, ठीक है। ये हमारा था जी क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट उसका 2 का। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट की जाना। तो जी हमें क्या दिया गया है जी, जी हमें दिया गया है आयोटा -3, हमने इसका क्या करना है, जी कंजुगेट। तो हमने आयोटा को माइनस आयोटा में रिप्लेस करना है, ये -3 हमारे पास रियल पार्ट है, ये तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, -3, ये हमारा जी कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उसके हमने सारे पार्ट्स को सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, देखते हैं उसमें हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है जी, वो कहता है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट और जो हमारे पास है ना रियल पार्ट, उसको हमने क्या करना है, इलादा करना है जो हमें क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें से। तो क्या है इसका फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन, जी इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया है जी, 1 + आयोटा दिया गया है। तो इसमें से हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। तो ये हमारे पास जिसके साथ आयोटा ना हो
वो हमारे पास रियल पार्ट होता है, और जिसके साथ आयोटा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट को हम प्योर इमेजिनरी पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ए को हम नोट करते थे रियल पार्ट से तो हम ए इज इक्वल टू मान ले लेते हैं, और बी को हम इमेजिनरी पार्ट से नोट करते थे तो हम बी इज इक्वल टू ले लेते हैं वन। ठीक है, क्योंकि ये आयोटा तो हमने लेना नहीं, आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट होगा ना वो हमने लेना है। ठीक है, और उसके बाद आता है पार्ट नंबर टू है जी इसका, उसमें हमारे पास क्या है जी, जे इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, माइनस वन प्लस टू आयोटा दिया गया है जी। इसमें से हमने क्या करना है, ए हमारा रियल पार्ट है तो रियल ये होता है जिसके साथ आयोटा ना हो। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बी के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट को हम बी से नोट करते हैं, जो हम पीछे डेफिनेशन में कर चुके हैं, आपको उस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप उधर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या आएगा, फिर आयोटा के साथ वाली टर्म का इमेजिनरी पार्ट। तो अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की जाना है, वो क्या है हमारे पास जी, हमें क्या दिया गया है जी, जी हमें दिया गया है जी माइनस थ्री आयोटा प्लस टू। तो इसमें से हमने रियल पार्ट जो होता है उसको हम ए से नोट करते हैं, आप साथ लिख भी दें कोई हर्ज नहीं है इसके। ठीक है, रियल पार्ट इज इक्वल टू तो हमारा ये होता है जो जिसके साथ आयोटा ना हो वो रियल पार्ट होता है, और बी हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा हो, तो आयोटा हमारा किसके साथ है, आयोटा हमारा माइनस थ्री के साथ है, तो माइनस थ्री आ जाएगा, आयोटा को नहीं हमने लिखना होता। ठीक है, तो ये ए हमारा क्या है, रियल पार्ट, ये बी इमेजिनरी पार्ट, इसी तरह से इधर भी ए रियल पार्ट है और बी इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर फोर की जाना, वो हमें क्या दिया गया है जी, आइए देखते हैं जी। वैसे नंबर फोर में जी हमें क्या दिया गया है जी, जी हमने हमें दिया है उसमें माइनस टू आयोटा। ठीक है, तो इसमें से हमने रियल पार्ट लेना है ए, इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, तो रियल पार्ट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, इसमें से जिसके साथ आयोटा ना हो वो हमारा रियल पार्ट होता है। ठीक है, और अब हम बी ले लेते हैं, वो हमारा क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट जो हमारे पास आयोटा के साथ हो उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, तो वो कौन सा है, ये वाला माइनस टू। ठीक है, आयोटा को नहीं हमने लिखना होता। तो ये था कि हमारा इसका दूसरा पार्ट, सॉरी चौथा पार्ट। अब हम इसके फाइव पार्ट की जानब चलते हैं, उसमें जी क्या दिया गया है जी, जी हमें दिया गया है जस्ट माइनस थ्री आयोटा। ठीक है, तो इसका हमने क्या करना है, इसमें रियल पार्ट हम निकालेंगे, इसका रियल पार्ट। ठीक है, तो रियल पार्ट आप देखेंगे इसमें आयोटा के बगैर वाली टर्म तो है ही नहीं, तो वो हमारे पास जीरो है, तो उसको हम करेंगे कि जीरो है। ठीक है, बी हमारा क्या है जी, इमेजिनरी पार्ट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये इमेजिनरी पार्ट हमारा किसके इक्वल है जी, आयोटा के साथ वाली टर्म है जी माइनस थ्री। ठीक है, ये देख लें, तो ये हमारा आ गया जी फाइव पार्ट। अब हम चलते हैं सिक्स पार्ट की जानब, तो सिक्स पार्ट क्या है हमारे पास, जी हमें क्या दिया गया है जी, जी उसने हमें दिया है जी कि टू प्लस जीरो आयोटा। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट होता है, तो रियल पार्ट इसमें क्या है, जिसके साथ आयोटा ना हो, तो वो हमारे पास टू है। ठीक है, इसके साथ आयोटा नहीं है। तो बी हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ हमारा आयोटा हो, तो आयोटा के साथ वाली हमारे पास कौन सी मतलब कोफिशिएंट है उसका, जीरो, तो इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर, इसको हमने क्या किया है जी, इसके पार्ट सारे को सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की जानब, क्वेश्चन नंबर फोर में हमें क्या दिया गया है, आइए देखते हैं जी हम, क्वेश्चन नंबर फोर है जी, क्वेश्चन नंबर फोर में वो क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो एक्सप्रेशन हमें क्या दी गई है, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया है जी, सॉरी इधर वन भी है साथ। ठीक है, क्या दिया गया है, फोर माइनस थ्री आयोटा। हमने क्या करना है, और एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करते हैं जी सॉल्व। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, हम एक्स प्लस आयोटा वाई तो वैसे ही आ गया, इस वन को हम उस साइड पे ले जाते हैं, फोर माइनस थ्री आयोटा, इधर माइनस प्लस का था वन, उधर जाके ये माइनस का वन हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, फोर में से वन निकालेंगे तो थ्री बच गया हमारा, और ये थ्री आयोटा आ गया, और ये हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया। ये हमने इक्वालिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर की वो जो डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उसके मुताबिक इसको हम सॉल्व करेंगे, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल के इक्वल लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स सॉरी इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लेते हैं।
हमारे पास रियल पार्ट इधर x है और इधर क्या है 3, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और इमेजिनरी पार्ट इधर y है और इधर क्या है -3, तो ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसमें मतलब रियल पार्ट में रियल पार्ट के इक्वल लेना है हमने और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा जो हमने एक्सरसाइज 2.5 इसको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।